अगर आप भी तलाश कर रहे हैं एक ऐसी पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब की जो कि आपको महीने के 10, 15, 20, 25 हजार रुपए तक दे सके, जल्द से जल्द आप उस काम को सीख सके और अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने वर्क को भी कंटिन्यू कर सके दोस्तों, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बेहद खास होने वाली है। मैं रतिराम स्वागत करता हूं एक बार फिर से उन सभी भाइयों का और आप सभी लोगों का मेरे इस वीडियो में, जिसमें आज हम दोस्तों बात करेंगे कंप्यूटर ऑपरेटिंग की। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर ऑपरेटर बनने के क्या क्या प्रोसेस और कैसे कैसे आपको क्या चीजें सीखनी है और उन चीजों को करने के बाद आपको कौन कौन सी जगह पर वर्क मिल सकता है, कैसी कैसी कंडीशन में मिल सकता है और कहाँ कहाँ मिल सकता है दोस्तों, और कितने पैसे आप कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सीखना बिल्कुल बहुत ही आसान और एक अच्छा वर्क आप कह सकते हो, खासकर उन विद्यार्थियों, उन स्टूडेंट्स या उन लोगों के लिए जो कि हिंदी और इंग्लिश की हल्की सी भी नॉलेज रखते हैं दोस्तों। क्योंकि आप जानते हैं कंप्यूटर पर यदि वर्क करना है तो हिंदी और इंग्लिश, हिंदी तो लगभग सभी को आती है लेकिन इंग्लिश की भी थोड़ी बहुत नॉलेज, जैसे हल्का फुल्का पढ़ पाए बस आप, या तो उन चीजों को हल्का सा समझ पाए बस, और उससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर आप कहे कि नहीं आपको बहुत जबरदस्त इंग्लिश आनी चाहिए, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, आप बड़ी आसानी के साथ काम कर पाएंगे दोस्तों। देखिए सबसे पहले यदि बात करें कि कंप्यूटर ऑपरेटर बनने के लिए आपको करना क्या है दोस्तों, देखिए दोस्तों मैं आज सबसे बड़ा गुरु अगर किसी चीज को आज की डिजिटल दुनिया में मान के चल रहा हूं तो वो आपकी जेब में है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपकी जेब में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंटरनेट आज सब लोगों के पास मौजूद है। यूट्यूब पर हजारों लाखों टीचर, हजारों लाखों करोड़ों वीडियो ऐसे हैं जो आपको कोई भी टॉपिक किसी भी चीज के ऊपर बड़ी आसानी के साथ बहुत कम समय में आसानी से सिखा सकते हैं दोस्तों। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो मेरे पास ही सीखे, आपको जहां भी अच्छा लगे, जहां उचित लगे, जो भी अच्छा टीचर आपको प्रोवाइड कर रहा हो बिल्कुल फ्री में, मैं पैसा भी किसी को देने की बात नहीं कर रहा हूं, आप वहां से सीखे। देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर बनने के लिए आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए, एक आपके पास नॉर्मल पीसी जो आप प्रैक्टिस कर पाए, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग। अब देखिए दोस्तों होता क्या है, हिंदी की टाइपिंग दो तरीके से होती है, जैसे कि आपकी एक तो यूनिकोड होती है और एक आप लोगों का मंगल फॉन्ट, जैसे कि आपका इनस्क्रिप्ट वाला ऑप्शन होता है। देखिए मैं आपको बता दूं, आपको मंगल पे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, 80% जो काम है वो आप लोगों का यूनिकोड, यानी कि आप जो कृति देव है, ड्यूएलएस 10 है, आपके जो नॉर्मल फॉन्ट चलते हैं जिसमें हम अपने रेगुलर कीबोर्ड को यूज करते हैं उस पर सीख सकते हैं दोस्तों। हिंदी और इंग्लिश अगर आप टाइपिंग सीखना चाहें तो अपने वर्क को जारी रखते हुए, कहने का मतलब ये कि आप मान लो कंप्यूटर सीख रहे हैं तो उस कोर्स को सीखते सीखते रोज अगर आधा घंटे भी इंग्लिश की टाइपिंग करेंगे तो 1 से 2 महीने में आप परफेक्ट होने लग जाएंगे दोस्तों, बाकी की स्पीड जो है वो धीरे धीरे और वर्क करते हुए आ जाएगी। इसके बाद आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, वो आपको कहीं भी यूट्यूब पे मिल जाएंगे, मेरे भी बहुत सारे वीडियोज पड़े हैं, चाहे तो आप पीछे जाके प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। इसके बाद बारी आ जाती है एमएस ऑफिस की, आप लोगों को एमएस ऑफिस में 3 चीजें, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल तो बहुत अच्छे ढंग से, ज्यादा अच्छे ढंग से भी नहीं, इतना तो कि आप अच्छे से काम उनपे कर सके दोस्तों, और एक पावर पॉइंट, पावर पॉइंट ज्यादा काम नहीं आता लेकिन कुछ कंपनियों में, जो अगर आप प्राइवेट कंपनियों में जाना चाहेंगे तो वहां पर शायद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सीखना आप लोगों को आना चाहिए दोस्तों। एमएस वर्ड के बाद एक चीज होती है फोटोशॉप, फोटोशॉप इसलिए दोस्तों आजकल डिजिटल इंडिया का जमाना है, किसी इमेज को क्रॉप करना है, इमेज को बनाना है या कहीं अपलोड करना है, कुछ भी करना है तो थोड़ा फोटोशॉप आप लोगों को आना चाहिए दोस्तों। इसके ऊपर भी मैं लेक्चर बना चुका हूं और चाहूंगा तो और आप लोगों के लिए, अगर आप चाहेंगे तो बना दूंगा। एक तीसरी चीज आप लोगों के लिए आ जाती है पेज मेकर दोस्तों, देखिए पेज मेकर बिल्कुल सेम एमएस वर्ड की तरह है, फर्क इतना सा है कि एमएस वर्ड सिंगल कर्सर पे वर्क करता है अधिकतर और पेज मेकर में हम अनेक कर्सर, और वो स्पेशली एडिटिंग सॉफ्टवेयर के है दोस्तों, ठीक है पेज मेकर हो गया। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा डिजाइनिंग में जाना चाहे हल्का फुल्का, यदि कोई भाई ना भी जाना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ऑपरेटिंग के लाइन में, लेकिन अगर आप डिजाइनिंग में जाना चाहें, अपने आप को थोड़ा सा और अच्छा करना चाहें तो आप कॉरल ड्रॉ भी सीख सकते हैं दोस्तों। तो ये चीज, 4 चीजें मैंने आपको बताई, एमएस ऑफिस, बेसिक कंप्यूटर, फोटोशॉप, पेज मेकर और आप लोगों का कॉरल ड्रॉ दोस्तों। अब देखिए इंटरनेट के ऊपर वर्क करना तो आपको नॉर्मली आता ही है, कोई भी मेल खोलना, मेल बनाना, डालना, भेजना, प्राप्त करना, डाउनलोड करना, किसी फाइल को इधर से उधर करना, रेनेम करना, तो ये चीजें तो नॉर्मल है, ये सारी चीजें आप लोगों को आ जाएगी दोस्तों। तो ये सीखने में कितना वक्त लगेगा आप कोशिश करेंगे तो, अगर कोई हल्का सा भी इंटेलिजेंट पर्सन है तो मैं उसको गारंटी देता हूं 1 से 2 महीने में, 1 महीना मिनिमम और 2 महीना मैक्सिमम वो आराम से सीख जाएगा दोस्तों,
कोई दिक्कत उसको नहीं आने वाली है, चाहे वो एमएस वर्ड हो, एमएस एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, पेज मेकर हो, कुछ भी हो दोस्तों, कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी के साथ 2 महीने में सीख के अपना खुद का काम चालू कर सकता है। अब बात कर लेते हैं कि काम कहाँ मिलेगा और पैसे कितने मिल सकते हैं। दोस्तों देखिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए तो सबसे अच्छा तरीका होगा दोस्तों, यदि आप कंप्यूटर में पार्ट टाइम या फुल टाइम देख रहे हैं, तो किसी स्कूल को अपने आसपास, यदि कोई भी ऐसा स्कूल है, प्राइवेट स्कूल खासकर मैं बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट स्कूल वाले काम नहीं देते क्योंकि वो सरकारी है और पहली बात उनके पास अपने बाबू होते हैं, कुछ लोग रखते हैं संविदा उम्मीदा पे, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्राइवेट स्कूल में अगर आप जाएंगे तो 2-3-4 घंटे भी आप काम करेंगे तो 10-10 हजार आपको 10-12 हजार 15 हजार आराम से मिल सकते हैं दोस्तों। देखिए, अब ये काम आने के बाद आप अपने स्कूल के आसपास ट्राई कर सकते हैं, कोई भी ऐसी छोटी कंपनी या फर्म जहां पर डाटा एंट्री का काम होता हो, वहां आराम से 8 से 10 हजार रुपए आपको 5-7 घंटे के, 5 घंटे के आराम से मिल जाएंगे। यदि आप 5 घंटे वर्क करते हैं तो बाकी का टाइम अपनी पढ़ाई के लिए दे सकते हैं दोस्तों। यदि कोई भाई फुल टाइम करना चाहे, 8 से 5 की नौकरी या 10 से 5 की नौकरी, 9 से 6 की नौकरी, इस तरीके से अलग अलग शिफ्ट में होती है, तो आप आराम से 20-25 हजार रुपए कमा सकते हैं दोस्तों। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आपका लेवल भी अच्छा होता जाएगा, आप और नॉलेज प्राप्त करते जाएंगे और आप लोगों के पैसे भी उतने ही अच्छे होते जाएंगे, आपको नॉलेज आती जाएगी बाकी का वर्क कहां से गेन करना है, और दूसरी बात कि आप और वर्क कहां से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, आज के समय पे इंटरनेट ही दुनिया को वर्क देता है और इंटरनेट ही वर्क लेता है दोस्तों। यदि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर डाटा एंट्री का खूब वर्क मिल जाता है, मैं मानता हूं फर्जीवाड़ा बहुत है, बहुत फर्जी लोग बैठे हुए हैं जो लोगों का पैसा खा जाते हैं, वर्क करवा लेते हैं, काम नहीं देते, लेकिन फिर भी यदि आप कोशिश करेंगे और एक अच्छा डाटा एंट्री आप कर सकते हैं तो आपको काफी अच्छे वर्क देखने को इंटरनेट के ऊपर मिल जाएंगे दोस्तों। मैं ये सारा सब कुछ आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पिछले लगभग 5 साल से मैं भी कंप्यूटर ऑपरेटिंग कर रहा हूं, जिसमें मैंने भी काफी अच्छे, मतलब बहुत कम, छोटे से छोटे लेवल से अपने आप को काफी अच्छे सुदृढ़ लेवल तक पहुंचाया है दोस्तों। अभी भी आपको ऐसा लगता है कि आप कंप्यूटर कहां से सीखेंगे, कहां से प्राप्त कर सकते हैं, यदि आप चाहें तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं जिस टॉपिक पे आप टॉपिक पे जाना चाहते हैं, वैसे तो मैंने लगभग सभी वीडियोस बनाई हुई है, यदि आप और देखना चाहते हैं और चाहते हैं तो मैं आपके लिए वीडियोस बना सकता हूं, वरना यूट्यूब अपने आप में बहुत बड़ा क्षेत्र है, वहां आप सर्च करोगे हजारों लाखों वीडियो आपको मिल जाएंगे, जिसका अच्छा लगे उससे पढ़े दोस्तों आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आप लोगों के लिए ये वीडियो मैंने नॉलेजेबल थोड़ा सा इसलिए बताया क्योंकि इस समय बेरोजगारी काफी हद तक फैली हुई है दोस्तों, तो मैं आशा करूंगा इस वीडियो में मैंने आप लोगों तक जो जानकारी पहुंचाई है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी और आप लोगों के काम भी आएगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें दोस्तों, चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।